नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जिसमें 6400 पद है। रिक्रूटमेंट 2019 का ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गया है, लिंक भी एक्टिवेट हो गया। उस फॉर्म को कैसे भरना है, पूरा स्टेप टू स्टेप गाइडेंस आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर वन वेबसाइट सरकारीRESULT.COM को ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, सरकारीRESULT.COM। अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप पे सरकारी रिजल्ट खुली हुई है तो चेक कीजिए लास्ट में .com लगा है कि नहीं, क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत सी फेक वेबसाइटें आ गई हैं जिसमें आपको गलत जानकारी वगैरह मिल सकती है। चलिए दोस्तों, आपको एक और वेबसाइट बताते हैं जो सरकारीRESULT.COM की तरह बिल्कुल ट्रस्टेबल है, जेन्युइन है, बहुत तेज अपडेट होती है। उसका नाम है रोजगारRESULT.COM। आप इस वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। ये वेबसाइट भी सरकारीRESULT.COM की तरह ही बिल्कुल ही सही जानकारी देती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉर्म की। ये देखिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल SI का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे 6400 पद है इसमें। 12 जून से फॉर्म चालू हुआ है, 26 जून इसकी लास्ट डेट है। पेमेंट इसका आप 28 जून तक कर सकते हैं। और फीस की बात करें तो कांस्टेबल की ₹100 फीस है, मेल कैंडिडेट की और सब इंस्पेक्टर की ₹150 है, और जो हरियाणा के डोमिसाइल है उनकी फीस कम है। चलिए दोस्तों, अब एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो कैलकुलेट होगी 1 जून 2019 को होगी, और कांस्टेबल की एज लिमिट 18 से 25 है और सब इंस्पेक्टर की एज लिमिट 18 से 27 साल है। दोस्तों अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में जो कांस्टेबल है उसमें 10+2 मांगा है, साथ में हिंदी या संस्कृत मांगा है आपके हाई स्कूल लेवल पे। और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसमें ग्रेजुएशन मांगा है, साथ में हिंदी और संस्कृत आपका हाई स्कूल लेवल पे। चलिए दोस्तों, वैकेंसी की बात करते हैं तो कांस्टेबल मेल में टोटल 5000 वैकेंसी है, कांस्टेबल फीमेल में 1000 है और सब इंस्पेक्टर मेल में ही केवल वैकेंसी है, वो है 400। चलिए दोस्तों, हिसाब से टोटल हो रहा है 6400 पद। अब बात करते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशन की, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी की। जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी है, और जो चेस्ट है वो 83 से 87 मांगा है, और महिलाओं के लिए 158 है, और सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी वही सेम है। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको लॉगिन वाला ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं बनाया तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए, और किसी प्रकार की और जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, और नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको अगर सिलेबस देखना है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 पे 2.3 में जो है इसका सिलेबस शॉर्ट में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं, जनरल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, मेंटल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिक एबिलिटी है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इस टाइप से क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ तक दिया हुआ है इसका सिलेबस, इसका ये शॉर्ट में सिलेबस है, डिटेल सिलेबस भी बहुत ही जल्द जारी होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने के लिए सीधा हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए आ गया कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ये एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इस इंस्ट्रक्शन को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन, उसके यहाँ पे टिक करेंगे और प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करते हुए यहाँ पे आपका शीर्षक पूछेगा, आप मिस्टर है क्या है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, नाम डाल दिया। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर पे ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड दोस्तों बता दें, कम से कम 8 लेटर का होना चाहिए, जिसमें आप जो है कैपिटल स्मॉल और एक आपका स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम एक पासवर्ड बना लेते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने बना लिया, इस तरह आप भी बना लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, तो आपको अपने यहाँ पे सिटी का नाम डालना है, जो भी सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हो डाल दीजिए। यहीं पे उसको भी दोबारा डालना है, या तो आप कुछ और लेना चाहते हैं, किसी स्पोर्ट्स का लेना चाहते हैं, कोई एक्ट्रेस लेना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, डिटेल को हम भरते हैं और आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अपनी डिटेल भर दी है। जो डिटेल आपको रेड कलर के अंदर दिख रही है वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल है, इसलिए आपको नहीं शो कर रही है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपके ब्लू पे जो रजिस्टर है उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखिए, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपका मिल जाएगा, ये आपका लॉगिन आईडी मिल गया, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड आपने किया वो मिल गया, यहाँ पे आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला है इस पेज का आप प्रिंटआउट भी रख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों मोबाइल से आप, अगर आपके मल्टीमीडिया फ़ोन हो तो उससे फोटो खींच के इसके रख लीजिए। ये आपका एक देखिए रजिस्ट्रेशन प्रिंटआउट है, इसको करने के बाद आपको यहाँ देखिए ग्रीन कलर का दिख रहा है क्लिक टू लॉगिन, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों देखिए, लॉगिन पे जो है हमारा वही जो हमको लॉगिन डिटेल्स वहाँ मिली थी वही मांग रहा है। अब यहाँ पे हमको लॉगिन आईडी में अपना जो फॉर्म नंबर है वो डालना है और फिर साइन इन पे क्लिक करना है। दोस्तों देखिए, लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे इस फॉर्म में 4 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। और ये देख सकते हैं स्टेप 1 में 7 चीज़ें हैं जिनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं सब पे आपका इनकम्प्लीट लिखा हुआ है,
और आपको कांस्टेबल SI चाहे जो भी फॉर्म डालना हो, इसने सातों चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करते हैं, देखिए नाम हमारा पहले से आ गया। अब यहाँ पे हमको अपना फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, नेक्स्ट हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। दोस्तों देखिए मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। अब नेक्स्ट आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है, नेक्स्ट आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है, आप गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, वो डालना है। अच्छा दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका आधार कार्ड नंबर का। आपको आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आपको आधार कार्ड नंबर पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आप एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये डालना है आपको। नेक्स्ट आपको डालने का आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपके बॉडी पे कोई कट मार्क हो या तेल हो, जैसे मैं डाल देता हूँ मोल ऑन दी फेस, मेरे चेहरे पे तेल है तो मैंने उसको डाल दिया। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना है। दोस्तों देखिए आधार नंबर डालने के बाद हमारा डिटेल्स पूरा ओपन जो है हो गया है कम्प्लीट। अब हमको यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पे करते हैं, देखिए अगला जो आपका पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपका एड्रेस, जो आपको करेस्पॉन्डेंस का एड्रेस देना है वो देना है। मैंने यहाँ कमला नगर डाल दिया और यहाँ सिटी मैंने आगरा डाल दिया, उत्तर प्रदेश डाल दिया, आगरा डाल दिया, तहसील मैंने सदर डाल दी, पिन कोड मैंने जो है ये डाल दिया। दोस्तों ये डालने के बाद हम दोबारा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल पे, यानी दोस्तों याद रखें आपको अगर इसको हरियाणा का फॉर्म भरना है पुलिस या कॉन्स्टेबल SI का, तो सातों चरण आपको कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों हम पार्ट टू पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपसे आपका पार्ट टू में आपका फीडबैक पूछ रहा है, आप इस फीडबैक को डाल दीजिए और उसके बाद जो है नेक्स्ट कीजिए। दोस्तों देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी आपका एड्रेस वाला ही पेज ऊपर दोबारा ओपन हो गया है। आई थिंक मेरे ख्याल से वो सर्वर की वजह से सेव नहीं हुआ, दोबारा हम इसको डालते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने दोबारा अपना डिटेल भर दी, अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान से भरिएगा इसको, कि आप हरियाणा के निवासी अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है आपका हिंदी और संस्कृत एज ए मैट्रिक में था, अगर है तो यस कर दीजिए। यहाँ पे आपकी कास्ट पूछ रहा है तो आप जो है यहाँ पे मैंने अपनी ब्राह्मण लिख दी है। धर्म आपका पूछ रहा है, धर्म मैंने हिंदू लिख दिया, आपका जो वो लिखे अगर आप NCC पास है तो यहाँ यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे जो है आपका वीडियो वीडियो के ऑप्शन है, आपके फादर मदर वगैरह कुछ, आपके जो है कंपनी है गवर्नमेंट में हरियाणा में है तो उसका वेटेज है, अगर कुछ वेटेज है आपका तो क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी अब हम आ गए हैं चौथे स्टेप पे, यानी रिजर्वेशन डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम आ गए हैं चौथे यानी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे भी हम क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछ रहा है आप क्या क्या है, मैंने हाई स्कूल पर क्लिक कर दिया। हाई स्कूल पर क्लिक करते हुए ये देखिए आ गया आपने इंडिया से किया है, यहाँ पे पूछ रहा है आपने कहाँ से किया है, मैंने यहाँ UP डाल दिया। स्पेशलाइजेशन मैंने जनरल कर दिया, ये हाई स्कूल का पूछ रहा है, मैंने हाई स्कूल में UP बोर्ड कर दिया। स्कूल का नाम मैंने डाल दिया GIC लखनऊ। नेक्स्ट पूछ रहा है मीडियम, मैंने हिंदी क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने अपना रोल नंबर डाल दिया हाई स्कूल का। यहाँ पूछा ग्रेडिंग था कि नंबर था, मैंने नंबर क्लिक कर दिया। ऑप्टेन नंबर में मैंने मुझे जितना नंबर मिला वो डाल दिया, मैक्सिमम नंबर मैंने जितना था वो डाल दिया, डिवीज़न मैंने अपनी सेकेंड सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मार्कशीट जो आपकी जारी हुई है उसका आपको डेट डालना है, यानी कि मार्कशीट की जो घोषणा की तारीख थी वो डालना है और नतीजे घोषणा की रिजल्ट आपका किस तारीख को जारी हुआ वो डालना है, यानी दोनों ही चीज़ों को आपको डिटेल देना है या आपको अपने पास रखना है, उसके बाद ही डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम डाल देते हैं। ये आपका जो है पूछ रहा है कि जो आपका रिजल्ट आया है वो कब आया है, मुझे दोनों ही चीज़ साथ में मिली थी, मैं सेम डेट डाल दूँ, अगर आपको अलग अलग मिली हो तो अलग अलग डाल दीजिएगा। और यहाँ उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों सेव हो गया। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे देखिए टिक आ गया। अब पूछ रहा है अगर आपको SI के लिए डालना है तो आपको ग्रेजुएशन को भी ऐड करना है, अगर आप SI नहीं डाले केवल 10+2 कॉन्स्टेबल डाल लें तो आपको केवल 10+2 ही डालना है, बाकी आपकी इच्छा आप डालना चाहे तो जो डाल सकते हैं। मैं 10+2 का डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे UP फिर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आपका जो स्ट्रीम है मैंने सिलेक्ट कर दिया साइंस, नेक्स्ट आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर दिया, स्कूल का नाम डाल दिया मैंने अपना, नेक्स्ट अपना जो मीडियम था वो कर दिया, रोल नंबर मैंने डाल दिया अपना, यहाँ पे मार्क्स डाल दिए, मार्क्स में मुझे कितने नंबर मिले वो डाल दिए, देख सकते हैं मैंने यहाँ डिवीज़न अपनी क्लिक कर दी। और यहाँ पे जो है दोस्तों फिर वही पूछ रहा है आपका जो
मार्कशीट की डेट और रिजल्ट की डेट जो पूछ रहा है आपको पास जब हो उसका डाल दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है, तो सिर्फ जो आपके ओरिजिनल हो डालिएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने जो है अपना कर दिया, तो देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम फोटो सिग्नेचर अपलोड पे। जी हाँ दोस्तों देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड पे हमारे हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों फोटो जो है इसमें 100 KB तक होनी चाहिए, सिग्नेचर 50 KB तक होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं फिर आगे दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने अपनी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे लगा दी है, मेरी फोटो सिग्नेचर मुझे क्लियरली दिख रही है। अगर आपको भी सही दिख रही है तो यहाँ पे जो है आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अगला ऑप्शन पूछा है एक्सपीरियंस पे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड अ न्यू एक्सपीरियंस कीजिए, नहीं है तो सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों देखिए हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, यानी कि अपलोड डॉक्यूमेंट पे। अपलोड डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको क्या क्या करना है, आपको अपना हाई स्कूल और इंटर का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको लगाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी हो आपका, मैं बता देता हूँ क्या लगेगा। तो दोस्तों ये देखिए हमने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सारे ही कॉलम ग्रीन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों आपके भी सारे कॉलम ग्रीन होने चाहिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले स्टेप में, स्टेप 2 और स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं स्टेप 3 पे। और दोस्तों आपको बता दें अगर आपको कुछ भी संशय है प्रोफाइल एडिट में तो आप व्यू प्रोफाइल करके आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, कोई करेक्शन हो तो आप पहले करेक्शन कर दीजिए उसके बाद ही स्टेप 3 पे जाइए। चलिए दोस्तों हम स्टेप 3 पे चलते हैं। दोस्तों देखिए आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप व्यू प्रोफाइल करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जैसे ही व्यू प्रोफाइल करेंगे एक नया आ जाएगा प्रिंट डिक्लेरेशन, उसके बाद अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको जो डिक्लेरेशन आएगा कि आपकी जो प्रोफाइल है उसमें सब कुछ सही करेगा, आपको प्रिंट करके डिक्लेरेशन निकालना पड़ेगा। डिक्लेरेशन प्रिंट करने के लिए आपके लैपटॉप या मोबाइल पे पॉपअप ब्लॉकर ऑफ होना चाहिए, तभी वो डिक्लेरेशन जो प्रिंट होगा। उसके बाद प्रिंट करने के बाद वो कैसा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये देखिए एक डिक्लेरेशन डाउनलोड हुआ है जो कि आप देख सकते हैं एक तरीके का है कि इसमें सारी डिटेल सही है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, यानी कि इसी डिक्लेरेशन को आपको जो सिग्नेचर करना है उसके बाद इसको स्कैन करना है या मोबाइल से फ़ोटो खींचनी है, उसके बाद आपको उसको अपलोड करना है। चलिए दोस्तों इस प्रोसीजर को भी करते हैं, इसको स्कैन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने अपना उस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया है, अब हम अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों ये देखिए हमने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अपलोड होने बाद देखेंगे अपलोड ऑप्शन हट जाएगा और यहाँ व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस हो तो आप एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों देखिए अप्लाई पोस्ट में हमारी तीनों वैकेंसी आ रही हैं, यानी कि मेल कांस्टेबल आ रही है, फीमेल कांस्टेबल आ रही है और जो है आपका सब इंस्पेक्टर आ रही है। तो हमने तो कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी भरी है, अगर आप इसमें ग्रेजुएशन भी डालते हैं तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम कांस्टेबल के लिए ही अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए ब्लू कलर का आपको अप्लाई लिंक दिख रहा है, उस पर अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों जैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपका हाइट पूछेगा, हाइट आपको डालनी है अपनी, चेस्ट डालना है आपको और मतलब कि अनएक्सपेक्टेड कितना है इंस्पेंडेड और स्पेंड करने के बाद कितना हो जाता है, मतलब बिगर फुलाए और हाइट कितनी है, इसको डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे दोबारा क्लिक करना। दोस्तों ये देखिए हमारा फॉर्म भी अप्लाई हो गया, नीचे आप देख सकते हैं यू अप्लाइड वन पोस्ट। अब बचा है हमारा चौथा स्टेप यानी कि फीस पेमेंट का। चलिए दोस्तों फी पेमेंट करते हैं। दोस्तों अब देखिए फी पेमेंट के लिए आपको यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में एक बार कोड है आवेदन शुल्क जमा करें, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते मान यहाँ पे आपको वो आ जाएगा डिटेल, यहाँ पे आपको टिक करना है फीस 100 रुपये है, प्रोसीड टू पेमेंट पे अब आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखिए पेमेंट गेटवे खुल गया, आप इसको CSC वॉलेट से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, मैनुअल चलान के थ्रू कर सकते हैं। देखिए PNB बैंक अकाउंट होल्डर के लिए है, ये PNB बैंक का गेटवे है, ये आपका IDBI बैंक का गेटवे है। चलिए दोस्तों हम IDBI बैंक के गेटवे को क्लिक कर देते हैं या टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह का कुछ पेज आएगा, आप जब उसमें प्रोसीड करेंगे तो उसको आपको देख लेना है, फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे दोबारा क्लिक करना है। पेमेंट के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए दोस्तों हमारा पेमेंट गेटवे खुल गया है, यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग नेफ्ट UPI किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करने के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप sarkarresult.com और rozgarresult.com के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए दोस्तों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।